Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ लाया हूँ दैट दाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में BScN के एडमिशन आ चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, रिमेंबर वन थिंग, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप आसानी से दाव यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और कौन सी वेबसाइट से जाके प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास दाव यूनिवर्सिटी का ये है कि आपने इंटरमीडिएट में कम से कम भी जो है वो 50% मार्क्स लिए हों विद प्री मेडिकल, देन उसके बाद जो है आपकी एज जो है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और हमारे पास जो सीट का रेशियो है, अगर हम सीट के रेशियो की बात करें तो 54 मेल्स एंड 54 फीमेल्स। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ दाव यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमारे लिए फीस का जानना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो हमारे पास जो दाव यूनिवर्सिटी का एडमिशन फी है दैट इज 1,50,000 एंड द पर सेमेस्टर फी इज 45,000। उसके अलावा अब बात आती है क्या है, हम किस तरीके से अपने स्कोर्स को हाई अचीव कर सकते हैं इन एंट्री टेस्ट। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज नहीं भी आई तो आप एंट्री टेस्ट में हायर स्कोर लेके अपने आप को मेरिट के एलिजिबल बना सकते हैं। क्या आपको मेरिट के बारे में नहीं पता कि मेरिट कैसे बनता है, तो देखिए किस तरीके से मेरिट बनाया जाता है। मेरिट बनाया जाता है 100% में से, जिसका 10% होता है आपका मैट्रिक के मार्क्स, हमारे पास 40% जो मार्क्स होते हैं दैट बिलोंग टू योर इंटरमीडिएट और 50% मार्क्स होते हैं आपके एंट्री टेस्ट के। उस 50% मार्क्स में आपको 100 या 150 एमसीक्यूज मिलते हैं, वो कंफर्म नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी अपने उससे देते हैं। लेकिन वो एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, वो एमसीक्यूज आते हैं आपके इंटर की बुक से, जो है हमारे पास केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और कभी कभार कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको हाई अचीव करना है और टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो आप gotest.pk पे जाके कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपके सामने भी ये वेबसाइट मौजूद है। वहाँ पर आपने जाके जो है एमडी कैट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। तो एडमिशन फॉर्म लेने के लिए आपने जाना है www.duhs.edu.pk। ये वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप जब इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फेज खुलेगा। इस फेज में आपने जाना है ऑनलाइन BScN एडमिशन के अंदर, और जब उस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एक हमारे पास फेज खुल जाएगा जिसमें आपको जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब आपने प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा फॉर्म का, उस फॉर्म ने आप को आपने फिल करना है और दाव यूनिवर्सिटी जाके आपने उसे सबमिट करवाना है। फिर आपको वाउचर मिलेगा, वाउचर जमा करवाएंगे और उसके बाद जब दाव यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट की डेट अनाउंस करेगी उस दिन जाके आपने टेस्ट देना है। तो आई होप कि आप अच्छा अचीव करें और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। वेल दैट्स रैप अप। इफ यू गाइस फाइंड इट रियली हेल्पफुल, गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।